एक्चुअली आज जो हमारा बिग बॉस इतना बड़ा जो हमारा सीज़न का हिट रहा है और इतने सारे दोस्त बने हमारे, तो हमने उनके लिए ख़ास तौर पर पार्टी दी है कि हमारे जो बिग बॉस 11 के कंटेस्टेंट हैं हम उनको खुश करें और उनके लिए पार्टी दें। वैसे मैं फिनाले से ही खूबसूरत दिख रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन हाँ बस यही है कि आवाम खुश रहे और यार थोड़ी इज्जतदार खबरें छापा करो। पार्टी में जो हमारे टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं वो सब आएंगे, मेरे जो जो मेरे करीबी दोस्त रहे हैं बिग बॉस के अंदर वो सब आएंगे। मैंने सबको इनवाइट किया है जो जो मेरे करीबी लोग हैं, लेकिन उनकी मर्ज़ी है, उनको आना रहेगा तो हम उनको तहे दिल से उनका इस्तकबाल करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। जी मैंने हिना से बात की लेकिन व्हाट्सएप पे बात हुई मेरी, मैंने उन्हें कॉल नहीं किया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शिल्पा उनसे 15 साल बड़ी हैं, उनकी कोई शादी नहीं होने वाली है, हो जाती है तो देखते हैं आगे क्या होगा, लेट्स सी। विकास आ जाए अभी, उससे पूछिएगा, उसने मेरे अकाउंट में अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने जो डिसाइड किया, जो 6 लाख रुपए हमने उनके लिए, मैंने जो उनको टास्क में जितवाए थे अर्शी की चाहत में, तो उन्होंने हाफ हाफ डिवाइड किया। ज्योति भी आई हुई है, ज्योति से भी प्लीज़ सवाल पूछिएगा, वो भी आई है अभी थोड़ी देर में, वो भी पहुँच रही है। मैं वैसे मेरे पास बहुत सारे ऑफ़र आए, हमारे होस्ट के आए हैं, साउथ इंडस्ट्री से आए, तो इंशाल्लाह मैं आपको मूवीज़ में ज़रूर दिखूंगी। नहीं नहीं मैं आपको क्लियर कर दूंगी, वो 3 साल पुरानी बात है कि मैं और अब मेरी दोस्त कुछ मजाक कर रहे थे बाहर बैंड्रा साइड पर, और हमने एक बुके लेकर सलमान की, हमने कहा दिख जाए, इतनी बड़ी शख्सियत है हमें दिख जाए, तो 3 साल पहले हमने हंसी मजाक किया था, वो अभी दिखा दिया तो मतलब मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन वो 3 साल पुरानी बात है। नहीं शिल्पा जीती है, वो सही डिसीजन है भी और नहीं भी है, क्योंकि शिल्पा ने भी मेहनत की थी, लेकिन विकास गुप्ता ने और हिना ने भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मेहनत की थी, लेकिन उसने अलग तरीके से की थी, तो हिना भी डिज़र्व करती थी, विकास भी, मैं भी डिज़र्व करती थी, मैंने सबसे ज़्यादा इंटरटेनमेंट दिया इस शो के अंदर आप लोगों को। नहीं वहाँ पर 100% रियल रहता, 100% सच्चाई रहती है, एक एक लम्हा जो होता है वो बिल्कुल नेचुरल रहता है, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं रहता, सब हम लोगों को खुद ही करना पड़ता है, रोना भी पड़ता है, हंसना भी पड़ता है, लड़ाई भी, आप लोग जानते हैं कि लड़ाई कैसी होती है हम लोगों की। डेफिनेटली मुझे पद्मावत ज़रूर देखनी है, क्योंकि मुझे दीपिका बहुत ज़्यादा पसंद है और संजय लीला बंसाली की मूवीज़ तो अल्लाह मुझे बड़ी पसंद है। Hi, this is Divyanka Tripathi. Hi, this is Aneri Bajani. Hi, this is me, Jyakasa Singh. Hi, guys, this is Kushal Tandon. Hi, this is Sonal Bengulekar. Hi, this is Ali Goni. And you're watching Telly Soap. And you guys are watching Telly Soap. Keep watching your favorite channel, Telly Soap. Keep watching Telly Soap. You are watching Telly Soap. Please like, subscribe, and comment on Telly Soap.